किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। पहली तारीख से आदेश था सरकार का कि धान केंद्र चालू हो जाएंगे। आज तक किसानों का धान नहीं तोला गया, किसानों की रबी की फसल बुवाई चल रही है। किसान मजबूर होकर 11 रुपया 12 रुपया में अपना धान बिचौलियों के हाथ बेच रहा है। किसान सरकार की मंशा पूरी नहीं हो रही, क्योंकि 17 रुपया सरकार ने मूल्य आका था, आज 11 रुपया में बेच रहा। इसलिए मजबूर होकर हमको यहाँ टाली लानी पड़ी, अपने जिलाधिकारी के सक्षम सामने टाली लानी पड़ी है। क्यों, क्या क्या चाहते हैं? क्या अब हमारा धान तौल जाए, यही हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का तौल चालू हो जाए और ये धान जो आया है ये तौल लिया जाए और किसान अपनी जो सरकार की मूल्य है लाग वो मिल जाए सबको। जी तो ये कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये तो क्या आंदोलन, अब ये हम लोग आज से आना शुरू हुए, आंदोलन को हम लोग ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहे, क्योंकि वैसे भी किसान 15 दिन से लेट हो गया, फसल सारी बोर ली, जो बेचना था किसान को बेच दिया, अब जो बचा कुचा है धान वही आ रहा है। उम्मीद है कल तक हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कल तक डिले करेंगे और कल तक ये 500 ट्राली से कम नहीं हो पाएगा, 500 ट्राली पूरी हो जाए, 500 के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि 250-300 ट्राली हो रही हैं अभी, शाम तक और आएंगे, रात में भी आएंगे, क्योंकि दूर से जो किसान आने वाले हैं वो भी आएंगे। फिर आगे हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अगर उनका निर्णय होगा कि यहाँ से लखनऊ कूच किया जाएगा तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की होगी। किसान मूड बना चुका है, क्योंकि किसान बहुत नुकसान उठा रहा है, 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल धान की को बेचा है, 1750 रुपया सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया है और 1 तारीख से खरीद चालू होनी थी उसमें भी विलंब हो रहा है, तो आखिर किसान कब तक बर्दाश्त करेगा।